एक लड़की भोली भाली सी आ गई फिल्म इंडस्ट्री में। शुरुआत की बतौर मॉडल, टेलीविजन सीरियल्स में भी काफी काम किया और फिर टीवी सीरियल बुनियाद की वीरा वाली से बन गई ये किरण सिप्पी। जी हाँ, एंट्री की थी इन्होंने बतौर किरण जुनेजा। मॉडलिंग की और नई दिल्ली से बंबई चली आई। ये नई दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से ताल्लुक रखती हैं। इंडो इटालियन को प्रोडक्शन थी एक सन 1984 की, जिसका नाम था शाहीन, जिसमें इन्होंने बतौर लीडिंग लेडी शुरुआत की। अपनी माँ से झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं माँ, मैं तो मन्नू से मिलने जा रही थी। इस वक्त आधी रात को? मन्नू दिन के वक्त नहीं आता ना माँ। इसका मतलब ये तो नहीं है शीन कि तुम आधी रात को बाहर जाओगी, और वो भी ऐसे वक्त जबकि हर इंसान दरिंदा बना हुआ है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। नहीं शीन, तुम नहीं जाओगी। फिर आया सीरियल पेइंग गेस्ट, जो कि राजश्री फिल्म्स ने बनाया था। फिर वाह जनाब, जिसमें शेखर सुमन इनके हीरो थे। उस दौर के काफी सारे सीरियल्स में काम करने के बाद किरण जुनेजा पहुंची रमेश सिप्पी के सेट्स पर टीवी सीरीज बुनियाद। इतनी देर कहां लगा दिया आपने? पता है शाम से राजा बाहर गया हुआ, अभी तक लौट कर नहीं आया। राजा? हाँ, वो सामने वाला इकबाल सारी जगह उसे ढूंढ कर आया, कहीं भी नहीं है वो। ठीक है, तुम यहाँ बैठो। मैं सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम कहाँ जाओगे? नहीं नहीं नहीं, इतनी रात गए, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। इत्तफाक भी ऐसा रहा, जब ये बम्बई एयरपोर्ट पहुंची तो इन्हें सीधा एयरपोर्ट से ही रमेश सिप्पी से मिलने के लिए भेजा गया। वक्त रहा होगा कोई शाम के 7। उस वक्त रमेश सिप्पी बुनियाद की एक्ट्रेस अनिता कंवर को एक शॉट समझा रहे थे। बस तभी किरण जुनेजा को समझ में आ गया कि ये आदमी कितनी मोहब्बत करता है अपने काम से। इन्हें बताया गया कि बुनियाद में जो किरदार इनके लिए देखा जा रहा है वो जवानी से बुढ़ापे तक का है, अगर ये तैयार हैं तो ऑडिशन दे सकती हैं। किरण जुनेजा ने हाँ कह दी और बस बुनियाद की वीरा वाली के रूप में ये बड़ी मशहूर हुई। इनके हीरो थे उसमें विजेंद्र घाटगे। आ देख अपने बाप जी की हालत को, देख देख अपने भाई की लाश को, देख क्या रुकने का नतीजा, क्या मिला एक माँ को तेरी जिद की वजह से, देख अपने भाई की लाश को, देख। किरण जुनेजा रमेश सिप्पी की आवाज से भी बहुत प्रभावित हुई थी। तब तक रमेश सिप्पी की शादी हो चुकी थी और इनके बच्चे भी हो चुके थे। हालांकि शादी में बहुत सारी तकलीफें चल रही थीं। किरण जुनेजा ने ये कहा कि अगर मैं ना होती तो कोई और रमेश सिप्पी से जरूर शादी कर लेता, क्योंकि रमेश सिप्पी के हालात ही कुछ ऐसे थे। तकरीबन 4-4.5 साल तक इनका अफेयर चला। लोगों ने बहुत समझाया कि किरण शादी कर लो, ये ग्लैमरस दुनिया है, कब वक्त बदल जाए मालूम नहीं पड़ता है, इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। और जब ये बातें किरण जुनेजा ने रमेश सिप्पी से कही तो इन्होंने इनसे फौरन शादी कर ली। लेकिन इस शादी से इन्हें कोई बच्चे नहीं हुए और किरण जुनेजा ने टेलीविजन सीरियल से भी दूरी बना ली। हालांकि उससे पहले बीआर चोपड़ा के मेगा सीरियल महाभारत में इन्होंने गंगा का किरदार निभाया था। इस किरदार की वजह से इन्हें खासी मकबूलियत भी हासिल हुई थी। किरण जुनेजा ने रमेश सिप्पी की पहली बीवी से भी ताल्लुकात अच्छे बना लिए और बच्चों से भी अच्छा रिश्ता, और इस तरह से ये अभिनेत्री किरण जुनेजा से बन गईं किरण सिप्पी। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।